ये है कोलकाता का संतरागाछी। क्या संतरागाछी और सोनागाछी एक ही है? आप सभी लोग डेली पूछते हैं और हजारों लोगों को ये नहीं पता है कि क्या एक ही है या अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ कोलकाता की संतरागाछी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर बैठकर मैं यहाँ का नज़ारा देख रहा हूँ, यहाँ का माहौल देख रहा हूँ। अगर आप भी ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग देखना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ कोलकाता, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ कोलकाता, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ कोलकाता, बेस्ट प्लेसेज इन कोलकाता, फेमस प्लेसेज इन कोलकाता, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। तो जिनमें से एक यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कहाँ पर, कोलकाता में, और उन लोगों को डाउट रहता है कि क्या संतरागाछी और सोनागाछी एक ही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सोनागाछी क्या है और सब लोग जाना चाहते हैं कहाँ पर, सोनागाछी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको आके इसी चीज़ को बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड का भी शिकार हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को रियल चीज़ें भी पता नहीं होती हैं। तो कोलकाता आने से पहले आपको ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बात की जाए संतरागाछी की और सोनागाछी की, तो संतरागाछी और सोनागाछी के बीच का डिस्टेंस जो है लगभग 12 किलोमीटर का है और संतरागाछी एक रेलवे स्टेशन है बट संतरागाछी एक जगह भी है। तो 12 किलोमीटर दूर होने के कारण सोनागाछी का इफ़ेक्ट कम है, लेकिन कुछ इफ़ेक्ट यहाँ पर भी है जैसा कि सोनागाछी में इफ़ेक्ट रहता है। तो आप लोगों को यही डाउट रहता है कि क्या संतरागाछी और सोनागाछी एक ही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संतरागाछी और सोनागाछी दो अलग अलग जगहें हैं कोलकाता की, जहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। और कोलकाता की बहुत सारी ट्रेनें संतरागाछी रेलवे स्टेशन से भारत के अन्य पार्टों में जाती हैं। तो आई होप आज का यह वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में कोलकाता की सोनागाछी में चल के मैं आपको वहाँ की चीज़ें दिखाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।